अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज। सैफाबाद पुलिस स्टेशन हदूद इस्तीवाड़ी इसीघाट इलाके में एक दीवार गिरने से एक लेबर की मौत वाकई हो गई। इत्तला मिलते ही मुकामी लोगों की जानिब से वो लड़के को बचाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन दवाखाना पहुंचे तक उसकी मौत हो गई। पुलिस इस मामले में केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। नाज़रीन, मुकामी अवाम ने क्राइम टुडे के जरिए बताया कि यहाँ पर कई ऐसी पुरानी इमारतें हैं, कभी भी गिर सकती है। गनीमत रही कि इस दीवार के पास अमूमन छोटे मासूम बच्चे खेला करते हैं और बड़ा भी हादसा हो सकता था। बहरहाल पुलिस मसरूफ तहकीकात है। शेख शफी के साथ में शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। इसके अंदर था पहले गाड़ी, उसके बाद आदमी। दो बार होगा, एक बार ये हुआ, एक बार ये हुआ, फिर थोड़े दिन के बाद दो होगा, फिर हम लोग इसीघाट बिसीवाड़े से हैं। इससे पहले बारिश के दिनों में 5 महीने पहले यहाँ पर BSNL गवर्नमेंट ऑफिस की एक दीवार है, वहाँ पर पूरा उनका कंपाउंड है, वो दीवार 5 महीने पहले वहाँ से गिर गई थी पानी की तरफ से। 5 महीने पहले से हम लोग वहाँ पर उसको कंप्लेंट दिए। अभी जितने वक्त भी हम लोग जाके उनको फॉलोअप करें, वो लोग एक ही चीज़ बोले कि कॉन्ट्रैक्टर वहाँ पर देख रहा, वो अभी इसको ऑर्डर पास होना है, काम होता बोल के। हम लोग को यही बात का डर था कि किसी की कोई बच्चे वहाँ पर खेलते हैं, किसी को नुकसान हो जाएगा बोल के हम लोग यही बात पर डर रहे थे। आज वो लोग काम करने के लिए आए, कॉन्ट्रैक्टर लेबर को लेके आया, मगर वो जब काम कर रहे थे लेबर, वहाँ पर उसके ऊपर ग्रेनेड गिर के बेचारे की ऑन द स्पॉट डेथ हो गया। यही बात का हमको डर था बोल के हम 5 महीने पहले उनको जाके बोले थे कि आप लोग वहाँ पर एक सेफ्टी करके काम कराइए बोल के। वो लोग हमारी बात नहीं सुने थे। आज वो लोग काम स्टार्ट करे, मगर उनका ही लेबर वहाँ पर डेथ हो गया किसी का, और अभी भी वो ग्रेनेड वैसे ही पड़ी हुई दीवार, अभी पूरा हमारा गली पैक हो गया, हम लोग को वहाँ पर चलने के लिए भी जगह नहीं है। और 5 महीने पहले हमारे भाई की वहाँ पर गाड़ी दब गई थी, 5 महीने से वो वैसी पड़ी हुई है। उनकी गाड़ी का अब तक कोई भी उनका 1 रुपया भी उनको अब तक नहीं मिला। और कल हमारे एरिया के कॉरपोरेटर आके इसका एरिया का सर्वे भी करे थे, जबकि आज इतना बड़ा नुकसान होने के बाद उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। उनको फ़ोन करें उसके बाद भी उन्होंने किसी को भेजना पसंद नहीं करे, ना ही उन्होंने अब तक किसी से अपडेट लिए। और हमारे MLA साहब को हम लोग फ़ोन करें, वो बोले कि कल ऑफिस में आके मिलने के लिए बोले। और हम BSNL ऑफिस वालों को भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि दीवार सेफ्टी से जल्द पूरी दीवार बनाइए। छोटे छोटे टुकड़ों में दीवार बनाने से कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब थोड़ी दीवार गिरी, कल बाजू की और गिर सकती। तो हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पूरी एक बार आप दीवार गिराइए आपकी कंपाउंड की, उसके बाद पूरी एक ही दीवार बनाइए अच्छी मजबूती से, तो हमारी बस्ती भी सेफ रहती उससे। एक दीवार मंदम हो गई है, ये BSNL की दीवार है, 4 महीने पहले गिर गई थी, इसमें एक गाड़ी डैमेज हो गई और उस दिन से दीवार ऐसी पड़ी हुई थी। हम लोग जाके इस पर कंप्लेंट दिए ऑफिस में, वो लोग बोले बजट नहीं है अभी कराएंगे बोले, फिर 3-4 बार जाके बोले। फिर 8 दिन पहले हम लोग गए थे वो दीवार का काम स्टार्ट करें, आज एक काम स्टार्ट हुआ। इसका काम स्टार्ट होने के बाद वो दीवार 3-3:30 बजे और लेबर के ऊपर गिर गई, उससे एक लेबर मर गया। और ये हम लोग मुसलसल बोल रहे थे कि इनको ये दीवार के लिए, और ये पूरी लंबी दीवार है, छोटी यहाँ की यहाँ नहीं है, पूरी यहाँ से लेके वहाँ तक दीवारें पूरी ओसी है। आगे बच्चे खेलते हैं, यहाँ पर गाड़ियाँ रहती है, बड़े लोग बुजुर्ग जाते हैं यहाँ से गुजरते हैं, बहुत परेशानी की बात है। हम इससे काउंसिलर के लिए भी, और काउंसिलर को भी बोले थे, काउंसिलर बोले ये हमारे इसमें नहीं है, ये बजट BSNL का है। BSNL वाले बोले हमारे पास बजट नहीं है इसका। इधर उधर फिरते फिलहाल आज हम लोग मीडिया को भी बोले थे इसके बारे में, हमारे रिपोर्ट में दिए थे, उसके बाद कुछ भी ना हुआ। फिर 4 दिन पहले जाके बोलने का काम स्टार्ट हुआ। ये काम स्टार्ट होने के बाद एक गाड़ी नुकसान हुई, फिर आज लेबर मर गया, फिर पूरा उसी पड़े हुआ है। अभी तक इसका कोई GHMC से भी गुजारिश है, हुकूमत से भी गुजारिश, लंबी दीवार के लिए पूरा एक प्रपोजल करके काम स्टार्ट करो जल्द से जल्द, नहीं तो और बच्चों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए बहुत तकलीफ़ हो जाएंगे आगे जाके।
और एसी गार्ड बीसी वाले के हम लोग पूरे आपसे गुजारिश करते हैं कि बच्चे ये काम जल्द से जल्द हो जाए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साबिरा है, बिश्ते वाले से बात कर रही हूँ। चार महीने पहले ये दीवार गिर के मेरे बच्चे की गाड़ी दब गई, वैसे चार महीने से केस होता शेक हो रही थी। हाँ, दीवार शेक हो रही थी, वो दीवार के पर कोई भी एक्शन नहीं लिए, दरख्वास्त भी दिए तो चार महीने से वैसी पड़ी थी। अब मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, घर के सामने दीवार है और छोटे छोटे बच्चे स्कूल को गए थे, बोल के अच्छा हुआ, नहीं तो बच्चों के ऊपर गिरती थी। आज मजदूर के ऊपर गिर गई, मजदूर मर गया, कोई भी एक्शन नहीं ले रही इसका। पाँच महीने हो गया, बस्ती के बच्चे जाके बोले तो भी कोई एक्शन नहीं लिए, बजट नहीं है, बजट नहीं है, बोल रही ये। हाँ, ये बीएसएनएल चैनल वाले कोई भी एक्शन नहीं लिए, एमएलए भी काम नहीं करे, कोई काम नहीं करे, खाली के आजमा वोट दिलाने के वास्ते आते, खाली ये देखते नहीं जाना चले जा रहे। आज ये मजदूर गया, छोटे छोटे बच्चे हैं पूरी गली में, बच्चों के ऊपर कौन सी जिम्मेदारी लेते हैं? आने आने का रास्ता है, ये जाने आने का रास्ता है, घर के सामने है रुपये दीवार, पूरी दीवार डैमेज है, पूरी दीवार डैमेज है, पूरी दीवार को एक्शन लेना, पूरी दीवार उठाना और गाड़ी का भी कुछ भी करना। हाँ, कोई पूछने हाल नहीं है, खाली आ रहे जा रहे, मैडम भी आए देख के चले गए, पाँच महीने से कोई दाँत फरियादी नहीं करे। अब ये मजदूर के ऊपर चले गई जान, अब ऐसी छोटे बच्चों के ऊपर भी गिर गई तो। और ये गुजारिश है हमारी तेलंगाना से, ये जल्द से जल्दी एक्शन ले, जल्दी से जल्द करा काम।